पूरा बम पड़ाका वगैरह का गूंज और जय हो और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ एक जुलूस निकल रहा था। और हमने देखा तो पाया दो नौजवान एक गाड़ी पर, आप देख रहे हैं जिस तरह का। और ये देखिए विश्व ड्रैगन बोट चैंपियनशिप 2023 थाईलैंड में भारत के लिए 200 मीटर रेस में कांस्य पदक जीतने पर इन लोगों को पूरे भोजपुर के वासियों की तरफ से इन लोगों का बधाई मिल रहा है और तांता लगा हुआ है तमाम लोगों का। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रुद्र प्रताप सिंह मेरा नाम। कैसा ये क्या था, किस तरह? ये वर्ल्ड चैंपियनशिप था वाटर स्पोर्ट ड्रैगन बोट का, जिसमें हम लोग इंडिया से रिप्रेजेंट। कितने लोग आए थे यहाँ से? यहाँ से हम लोग भोजपुर से 5 लोग थे और बिहार से 18। अच्छा। और पूरा ऑल इंडिया से भी था 60-70 अपने लड़के और लड़की। कहाँ से पदक आप लोग जीते हैं? हाँ, थाईलैंड में। थाईलैंड में जो था। अच्छा, चलिए आप क्या कहेंगे, कहाँ गए थे आप? हम लोग थाईलैंड गए थे, थाईलैंड में पताया, वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप था ड्रैगन बोट का, जिसमें हम लोग ऑस्ट्रेलिया को हरा के कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। ऑस्ट्रेलिया को हराए हैं जी, क्या बात है। आप भी गए थे साथ में? दीपक कुमार। थाईलैंड में गए हुए थे? यस, हाँ गए थे। कहाँ कहाँ घुमाए थे? फाइनल में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए था और हम थे, जिसमें कनाडा फर्स्ट था और सेकंड था यूएसए और थर्ड हम लोग का है और ऑस्ट्रेलिया 4 नंबर पे था। करना क्या होता है? वो नाव का रेस होता है। नाव का रेस? पहले नाव चलाए? हाँ, बहुत दिन से हम लोग प्रैक्टिस करते थे। हाँ। तो उसमें हम लोग कोलकाता में रह के प्रैक्टिस किए, फिर वहाँ से सलेक्शन हुआ इंडिया के लिए, उसके बाद थाईलैंड गए हम लोग। नाव आप देख रहे हैं जिस तरह बोट चैंपियनशिप में इन्होंने बोट चैंपियनशिप में थाईलैंड में जाके और ऑस्ट्रेलिया को इन लोगों ने हराया और एक ज़बरदस्त लड़ा। हालांकि भोजपुर की प्रतिभा को क्या कहा जाए, भोजपुर हर क्षेत्र में हमेशा शुरू से ही आगे रहा है और जिस तरह यहाँ भोजपुर के लोगों ने इनको स्वागत किया, आप देख सकते हैं पूरा गाजे बाजे के साथ, धूम धड़ाके के साथ एक ज़बरदस्त इन लोगों के जज्बे को बढ़ा रहा है ये भोजपुर के लोग, ताकि कोई भी कहीं भी जाए तो एक नया इतिहास रच के आए। और ये देखिए, आप देख सकते हैं दीपक यादव और कौन कौन है, ये सब नए बच्चे हैं। और इन लोगों ने उधर थोड़ा सा दिखाइए किस तरह जुलूस और जज्बे के साथ ये लोग पूरा अपने जीत का जश्न मना रहे हैं। तमाम युवा साथी इनके साथ हैं और लोगों के मनोबल को बढ़ा रहे हैं, युवाओं के मनोबल को बढ़ा रहे हैं कि आप जहां भी जाइए इसी तरह अपने देश का नाम रोशन कीजिए, अपने भोजपुर का नाम रोशन कीजिए, अपने बिहार का नाम रोशन कीजिए। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन आनंद के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू।